राम नाथ जी माननीय जी दादा श्री राम जिंदल जिंदल माननीय राम नाथ जी दादा श्री राम भारत की ये शान है जिंदल हरियाणा की जान है जिंदल कुरुक्षेत्र का मान है जिंदल 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 जिंदा है जिंदल। अब मैं स्वागत के क्रम में आमंत्रित करूंगा माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, डीपी वत्स जी बड़ी माला के साथ, हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे बड़ी माला के साथ। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब आपसे मेरा रिश्ता 30 साल पुराना रिश्ता है, स्वर्गीय ओपी जिंदल जी का जोड़ा हुआ रिश्ता है, और 10 सालों तक आप लोगों ने मुझे यहाँ सेवा का मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि मुझे बहुत कुछ राजनाथ जी से मुझे सीखने का मुझे मौका मिला। पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने हमेशा कभी ये नहीं देखा कि मैं किस पार्टी से था, इन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना मार्गदर्शन दिया। उन 10 वर्षों के अंदर मैंने कोशिश की कि संसदीय क्षेत्र के अंदर गांव-गांव में मैं काम करूं, घर घर में काम करूं, सरकारी स्कीमों के अलावा घर घर के अंदर 66,000 शौचालय बनाए। और मुझे गर्व हो रहा है आपको बताते हुए सर कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र भारत में पहला ग्रामीण इलाका था जो कि खुले में शौच से मुक्त हुआ पूरे देश के अंदर। मेडिकल कैंप लगवाना, आंखों के ऑपरेशन करवाना, बड़े स्तर के ऊपर गांव-गांव में मेडिकल वैन भिजवाना, युवाओं के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान। अब मैं माननीय मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं, माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं की टीम का मैं सदस्य हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों के अंदर जितना काम मैंने पिछले 10 सालों के अंदर किया था, आने वाले 5 सालों के अंदर उससे 10 गुना ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। हमने अपना संकल्प पत्र भी बनाया है, संकल्प पत्र की कॉपी देना। संकल्प पत्र और आने वाले समय के अंदर एक हमने, आप सब जानते हैं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसके अंदर हर वर्ग के लिए सौगात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि हमें देश को 2047 तक हमने अपने देश को एक विकसित देश बनाना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हरियाणा एक अग्रणी राज्य है, तो हम हरियाणा के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से हम हरियाणा को 2035 तक हम उसको एक विकसित राज्य बना सकते हैं। और हरियाणा को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि कलायत, राजौंद, बालू, ये हमारे सारा का सारा क्षेत्र, एक एक गांव विकसित हो। साथियों, आप सब जानते हैं कि बहुत से ऐतिहासिक फैसले माननीय मोदी जी ने लिए, और मैं उसके बारे में, क्योंकि आप सबको मालूम है, उसके बारे में मैं समय नहीं लूंगा। हम माननीय राजनाथ जी को सुनना चाहते हैं। और सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमारे कल तक यहां से सांसद थे नायब सैनी जी, आज पूरे प्रदेश की बागडोर आज नायब सैनी जी के हाथों में है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो इस हलके के एक एक गांव को जानते हैं, एक एक गांव को जानते हैं, बहुत ही विकासशील है। और जिस तरह से आपका एक सरल स्वभाव है, एक शालीन व्यक्तित्व है, उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी हैं, और सभी को वो साथ लेकर के चलते हैं। तो साथियों, इस बार मैंने निर्णय लिया है कि आपके आशीर्वाद से हम 2 वर्ल्ड क्लास प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। के मुनाफे में सरकार कैसे चलाई जाती है, सरकार चलाने की कला क्या है, या किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी ये चीज ये करके हम लोगों ने दिखाया है। अरे बहनों भाइयों,
आप कहेंगे कि आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं, भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत को हम विश्व की महाशक्ति भी बनाना चाहते हैं। यदि भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते हैं।